नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। आइए हम अब गणित सूत्रों को किस तरह से उपयोग करना है, किस तरह से उनका विस्तार करना है, किस तरह से उनकी जानकारी के अनुसार हमें इस श्री विद्या के क्षेत्र में आगे प्रवेश करना है, इसको जानें। जो प्रथम सूत्र है एका अधिकेन पूर्वेन, इसका शाब्दिक अर्थ पहले से एक अधिक, और जिसको हम एक से दो तक पहुंचना कह सकते हैं। ये एक से दो तक पहुंचना एक रेज टू पावर वन से एक रेज टू पावर दो भी हो सकता है। इस तरह से हमें ये देखना है कि ये एक से एक जमा एक में पहुंचना और एक से एक गुना एक पर पहुंचना, ये किस तरह हमें सूत्र 15 और सूत्र 16 की पहुंच का, उनके क्षेत्रों के अंतर के बारे में हमें दिशा निर्देश देगा। गुणित समुच्चय और गुणक समुच्चय का अंतर हमारे सामने लाएगा। एका अधिकेन पूर्वेन और एका न्यूनेन पूर्वेन, इसके बारे में हमारे को जानकारी देगा। तो आइए हम उदाहरणों सहित इसमें कुछ और आगे बढ़ें। अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से मान लीजिए 28 तक अंक है या और भी आगे हैं, इनके आइए फैक्टर्स करें। तो 1, 1, 1, 2, 1 और 3 इनका कुल योग करेंगे तो वो हमारे पास 1, 2, 3, 5, 6 और यहाँ पर 56 पहुँचेगा। पर हम अगर 1 को 1 क्रॉस 1 लें, 2 को 1 क्रॉस 2 लें, और इस तरह से अगर हमारे पास 28 अंक की श्रृंखला है और फिर हम इनका फैक्टर्स देखें, ये 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे और यहाँ पर 4 होंगे, और इनका जब हम योग करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ 84 पहुँचेगा और यहाँ 2 से प्रारंभ हो रहा है। ये 1 से 56 में गए और ये 2 से 84 में पहुँचे। आइए इसको थोड़ा और ध्यान से देखें। 1 से 28 तक के अंकों में हमारे पास 1 से 56 फैक्टर्स बने, जो कि 28 जमा 28 है। इस तरह से ये श्रृंखला हमारे पास 1 से 56 तक 56 स्टेप्स वाली है। और अगर हम 1 क्रॉस 1 से 1 क्रॉस 28 मूल्य वाले अंक ले लें तो हमारे पास ये 1 क्रॉस 1 से 1 क्रॉस 56 तक के फैक्टर्स हो जाएंगे, जो कि 2 से लेकर 84 तक होंगे, जो कि 83 स्टेप्स वाला होगा, जो कि इससे 27 स्टेप्स आगे होगा, जो कि 28 में से एक कम होगा। किस तरह से हम 1 से 1 क्रॉस 1 पर जाने का तात्पर्य 1 रेज्ड पावर 1 से 1 रेज्ड पावर 2 जा रहे हैं, हम इंडेक्स पर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हम 1 से 28 तक के अंकों की समकक्ष, जब हम 1 क्रॉस 1 इनके पहुँचेंगे
तो यहाँ पर हमारे पास जो 56 पहुँचे, यहाँ पर हम 84 तक पहुँचे, पर ये पहुँच 1 से 56 तक थी और ये पहुँच 2 से 84 तक थी। तात्पर्य ये कि हमारे पास 1 क्रॉस 1 से 1 क्रॉस 28 में जब पहुँचते हैं तो असल में ये हम स्क्वायर में पहुँच रहे हैं, 1 और 1, और इसी तरह से हम ये रेक्टेंगल है हमारे पास 1 क्रॉस 28 की। तो शुरू में जब हम 1 से 28 तक जाते हैं तो हम बेसिकली रेखा पर चल रहे हैं, लीनियर यूनिट चल रहे हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट इस तरह से। लेकिन जब हम 1 क्रॉस 1 पर चलते हैं तो हम एक स्ट्रिप पर चल रहे हैं। क्योंकि हम स्ट्रिप पर चल रहे हैं तो यहाँ पर ये एरिया यूनिट है, 2 यहाँ पर यूनिट है। तो ये अंतर जानना ये एका अधिकेन पूर्वेन सूत्र को सही जानना है। किस तरह से 1 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 और इसी तरह चलते जाएं, ये रेखा में जाना है, ये धरातल में जाना है, ये घन में प्रवेश करना है। और ये जब धरातल बदल जाएगा, जब हम रेखा से सरफेस में चले जाएंगे, तो बेसिक अंतर क्या है, यहाँ का यूनिट 1 है, 1 रेस्ट पर 1 है, तो यहाँ का यूनिट 1 रेस्ट पर 2 है, मतलब स्क्वायर 1 यूनिट है। प्रारंभ हमारे को 2 से करना होगा। ये जो 1 से प्रारंभ कर रहे थे, यहाँ हम 2 से प्रारंभ करेंगे, आगे 3 से प्रारंभ करेंगे। ये बात जानना, यहाँ 28 ही रहेंगे, इसमें 28 में 28 जुड़ जाएंगे, पर यहाँ पर 27 जुड़ेंगे, आगे 26 जुड़ेंगे। ये बात को जानना, 1 से 28 अंक के फैक्टर 1 से 56 तक हैं, 1 क्रॉस 1 से 1 क्रॉस 28 के फैक्टर्स 2 से 84 तक हैं, और 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 के 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 28 तक के जो हैं वो 3 से लेकर 112 तक होंगे। आइए इस तालिका को बनाएं। 1 से 28 जाएंगे, 2 से 56 बढ़ेंगे, मतलब ये इसमें 28 फैक्टर बढ़ गए थे, आगे जाएंगे तो 84 होगा, आगे जाएंगे तो 112 होगा, आगे जाएंगे तो 120 होगा। ये देखिए हुआ क्या, असल में हमने 1 से 28 लिए और इसके फैक्टर 1 से 56 हो गए। तात्पर्य ये कि हमने यहाँ पर शून्य को ले लिया, शून्य जीरो को भी एक एंटिटी मान लिया, यहाँ पर 1 को एक एंटिटी मान लिया। तो जो नंबर्स 1 से 28 हैं इनको हमने शून्य वाले एंटिटीज माना, और जो इसके फैक्टर्स आए इसमें हमने 1 को यूनिट माना। तो इस तरह से शून्य के यूनिट से भी 28 जाना और 1 वाले से भी 28 जाना, ये कुछ जानने की बात है। ये जानने की बात है कि शून्य और 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है, 2 ये भी 1 है। ये बात को जानना ही सही 1 को जानना है। आइए अब हम जरा इस बात का ध्यान करें कि किस तरह से ये अंकों की व्यवस्था जो हमारे को 0, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसको हम 1, 2, 3, 4 और 5 और छठा स्टेप भी कह सकते हैं, और किस तरह यहाँ पर छठे स्टेप में हम 120 में पहुँचते हैं, और ये 120 हमारे पास 10 × 12 है, किस तरह से ये 6 स्पेस हाइपरक्यूब 6 जिसकी बाउंड्री 12.5 स्पेस हैं, a^6 = 12b^5 है, और ये 5
रेस्ट पर 5:10, ए रेस्ट पर 5:10, बी रेस्ट पर 4 है, तो 10 × 12 = 120। तो किस तरह से 6 स्पेस की जो बाउंड्री है और उस बाउंड्री की भी जो बाउंड्री है, ये जो क्रिएटर स्पेस है ये 120 क्रिएटर्स स्पेसेस हैं, 4 स्पेसेस हैं। ये क्रिएटर्स स्पेस में जो 120 का अंक है, ये ही आप मानिए कि आप एकाधिकेन पूर्वेन जब सूत्र से चलेंगे, ये का ब्रह्मा में जब हम जाएंगे तो हम का ब्रह्मा से 6 स्पेस के जो डायमेंशन है वो 4 स्पेस है, और 4 स्पेस जब डोमेन होते हुए ये बाउंड्री बनेगी। तो ये विद्या 4 स्पेस डोमेन है, बाउंड्री है, और फिर ये डायमेंशन बन रही है, ये विद्या ही हमारे को जाननी है। इसलिए हम ए का और उसके बाद आ, ये 2, ये 4, ये 6, ये जो व्यवस्था है 6 स्पेस की डायमेंशन 4 स्पेस, 4 स्पेस की डायमेंशन 2 स्पेस, अगर हम ये जान पाएंगे तो ही हम गणित सूत्र 1 को जान पाएंगे। आइए देखें कि जब हम चौथी अवस्था में पहुंचते हैं का आ और इसके बाद था, जो कि 7 अंक की व्यवस्था है, 6, 4, 2 और 7, ये क्या है? ये 6 स्पेस है, ये सूर्य है, इसकी ये डायमेंशन है, और इस डायमेंशन की आगे डायमेंशन ये 2 स्पेस है। तो ये पहुंच हमारे पास 6 से 4 में, 4 से 2 में और आगे 7 में कहाँ पहुंचा रही है? ये असल में सूर्य की नाभि पर 6 स्पेस के ओरिजिन पर पहुंचा रही है। तो ये जो ऋषि है, जो सीयर्स है, जो वैदिक गणित के साधक हैं, जो हम चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, हमारा देखना कि पहुंच कहाँ तक होनी चाहिए, हमारी पहुंच सूर्य की नाभि तक होगी। 7 स्पेस जो ओरिजिन ऑफ 6 स्पेस है, इसको देखना है। यही दृष्टि हमारे को दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि बनेगी। आइए सर्वप्रथम देखें कि सूर्य का जो नाभि है, जो 6 स्पेस का ओरिजिन है, जो कि 7 स्पेस है, जो कि 7 धाराओं वाला है, ये ध्रुव है, पोल स्टार है, ये सूर्य है। सूर्य से पोल स्टार की विद्या 13 अंक से 19 अंक की विद्या, ये विद्या ही यहाँ पर एकाधिकेन पूर्ण सूत्र से प्रारंभ होकर गुणक समुच्चय तक हमें पहुँचाएगी। आइए देखें ये 7 स्टेप्स क्या हैं। पृथ्वी पहला स्टेप है, आपा दूसरा स्टेप है, अग्नि तीसरा स्टेप है, वायु चौथा स्टेप है, आकाश पांचवा स्टेप है, सूर्य छठा स्टेप है और ध्रुव 7वां स्टेप है। ये 25, ये 8, ये 14, ये 13, ये 8, ये 13, ये 19। इन 5 स्टेप्स को, आकाश तक वाले स्टेप्स को भूत कहते हैं, और ध्रुव से लेकर इधर वापसी के 5 स्टेप्स को महाभूत कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आकाश तक का योग 68 है, और यहाँ ध्रुव से लेकर अग्नि तक का योग 67 है। इन दोनों का योग 135 है, और ये पृथ्वी और आपा जो वापसी में ये 33 स्टेप्स और आगे जा सकते हैं,
इनमें जब हम 33 स्टेप्स को जोड़ेंगे तो ये 168 बनता है। आइए हम देखें कि ये 168 क्या है। 168 शब्द, ये जो अंक व्यवस्था है इसको ध्यान से समझें। पहली बात कि 1 से 1000 तक के जितने प्राइम हैं वो 168 हैं। दूसरी बात, 168 अगर डायमेंशन होगी तो ये 169 बाउंड्री होगी, 170 डोमेन होगी और 171 ओरिजिन होगा। अगर 171 ओरिजिन होगा तो ओरिजिन से वापसी और यहाँ से यहाँ स्टेप्स को जाना अगर 2 गुना 171 करेंगे तो ये 342 होगा। आइए देखें कि ये क्या है, ये प्रक्रिया क्या है। गीता हमारे पास 18 अध्यायों का ग्रंथ है, 1 से लेकर 9 तक और 10 से लेकर 18 तक। ये 350 और 350 700 का ग्रंथ बनना चाहिए। इसमें से अगर हम 8 कम कर दें, इसमें अगर 8 ज़्यादा कर दें, ये 342, ये 358 होगा। ये 342 2 गुना 171 है। आइए देखें कि 171 जो है ये क्या है। गीता के अनुसार गीता में 20, 28, 34, 42 और 47 ये वो श्लोक्स हैं, वो अध्याय हैं जो कि दो दो बार आते हैं। ये अध्याय 12 और 15 है, ये अध्याय 8 और 17 है, ये अध्याय 9 और 13 है, ये अध्याय 6 और 10 है, ये अध्याय 4 और 10 है, ये अध्याय 1 और 6 है। गीता के 18 अध्यायों में से ये जो 5 हैं ये दो दो बार हैं और इनका योग अगर करेंगे तो ये 171 है, तो दो बार आएगा तो ये 342 है। इस तरह से हम ये जान पाएंगे कि जो 168 की संख्या हमने ली, ये जो 168 है ये 8 गुना 21 है, ये 8 गुना 21 8 गुना 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 है। ये हमारे पास स्थापत्य मापदंड है, Hypercube 1, Hypercube 2, Hypercube 3, Hypercube 4, Hypercube 5 और Hypercube 6। ये क्या है, ये 6 स्पेस के अंदर की व्यवस्था है। ये 6 स्पेस एज डायमेंशन जब होगी और जब इसकी 8 डायमेंशंस होंगी तो ये 8 स्पेस का डायमेंशनल फ्रेम होगा। ये प्राकृति है, इस प्राकृति का, इस अष्ट प्राकृति का जो 8 स्पेस का जो डायमेंशनल फ्रेम होगा उसकी जो कीमत है 168 है। इसलिए ये गीता का विधान, ये प्राइम्स का विधान, ये सब एक साथ समन्वय वाला है। इसलिए हमारे को इन सूत्रों में प्रवेश करने के लिए, इन सूत्रों का उपयोग करने के लिए, इन सूत्रों से हमें गणित से विज्ञान और तकनीकी में पहुंचने के लिए हमें ये जो व्यवस्था है, जो के शब्द मिलेगा तो इस शब्द के साथ
दिव्य अंक लगेगा। दिव्य अंक के साथ इसका स्थापत्य होगा, इसके साथ चेतना होगी, इसके पास ब्रह्म होगा जो कि उपादान कारण द्रव्य के स्वरूप में और मूल कारण के रूप में होगा। आइए हम देखें कि अगर हमारे पास प्रथम अंक 6 है, ये हमारे पास है, तो ये 6 अंक स्थापत्य में H6 में 22, चेतना में स्मॉल H6 में 23, उपादान कारण में D6 में 16 और मूल कारण में 1। ये पंचवृत्ति 6, 28, 51, 67 और 68 बनी। ये 68 क्या है? हमने देखा कि ये पृथ्वी, आपा, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो भूत हैं इनके अंक 25, 8, 14, 13 और 8 योग हुआ 68। ये प्रथम अंक जब अपने इस पंचम वृत्ति में प्रकाशित होगा तो ये हमारे को जितना भी भूत क्षेत्र है उस सारे को अपने अंदर सन्निहित किए हुए है। आइए हम आगे देखें कि जब छठे अंक में हमारे पास 6, 22, 23, 16 और 1 वृत्ति है तो पंचमे अंक में हमारे पास ये 5, ये 18, ये 19, ये हमारे पास 12 और ये 1, ये होगा। 4 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 2 में, 1 में और 0 में। यहाँ पर -10 होगा, यहाँ 3 होगा, ये 16 होगा, 29 है, 42 है और 55 है, 68 है, 81 है, 94 है, 107 है और 120 है। ये जो विद्या है, ये जो पहुँच है, इस पहुँच को जानने से ही हम ये जान पाएंगे कि जब हमारे पास जीरो स्पेस होगा तो हमारे पास -10 है। इसलिए आइए हम शब्द संस्कार को देखें। जो संस्कार हैं हमारे, ये हमारे को सन को सकार के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। ये इसका अंक 13 है और इसका अंक 10 है। ये हमारे पास शून्य स्पेस में जब हम जाएंगे तो हमारे को इस 13 में से इस 10 की कमी करके केवल 7 के 3 अंक में ही रखेगा। शून्य से 1 में जाएंगे तो हमारे संस्कार बनेंगे और 1 से 0 में जाएंगे तो संस्कार हमारे मिटेंगे। ये दोनों दिशाओं में जाना ना जाना। आइए देखिए कि इस शब्द की जो बंतर है, इस बंतर को आइए ध्यान से देखें। ये शब्द सा जो है, ये 3 अंक वाला जो है, ये इस बिंदु में जब चला जाएगा, बिंदु सरोवर हो जाएगा, जब यहाँ सा चला जाएगा, ये वॉल्यूम चला जाएगा, जब पॉइंट सफियर बन जाएगा, जब 3 स्पेस की बॉडी बन जाएगा और इन पॉइंट से जब हम रेखा बनाएंगे, ये जब हम सॉलिड लाइन बनाएंगे, ये जो हमने सॉलिड लाइन बनाई, ये 3 स्पेस के पॉइंट से जब हमने लाइन बना ली तो ये लाइन हमारे को 10 दिशाओं वाली मिलेगी। इसलिए ये
जो हमारे पास शब्द हैं, जो देवनागरी है, इस देवनागरी की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, उसके अंदर भी पूरी तरह से गणित, ज्योमति और विज्ञान के नियमों को संकलित किया गया है। शब्द सा को लिया, ये तीन कीमत वाला है, ये हमने तीन स्पेस का कंटेंट वॉल्यूम लिया, सॉलिड कंटेंट लिया, इसको बिंदु सरोवर बनाया, बिंदु में डाल दिया, सॉलिड बिंदु ले लिया, इस बिंदु से हमने रेखा बनाई, ये सॉलिड रेखा बनी और थ्री स्पेस के अंदर 10 डायरेक्शनल फ्रेम बन गया। ये 10 डायरेक्शनल फ्रेम जो इसके अंदर बना है, ये हमारे घास के एक ही तिनके में भी ये है, ये सॉलिड है और इस सॉलिड में 10 डायरेक्शनल फ्लो है, इसका विस्तार है। ये विस्तार किस तरीके से वृक्ष अपने बीज से बना रहा है, जो बीज है ये 16 अंक की व्यवस्था है और जो वृक्ष है ये 19 अंक की व्यवस्था है। ये 16, 17, 18 और 19, ये हाइपर क्यूब 18 है और इस हाइपर क्यूब 18 की डायमेंशन 3 है। किस तरीके से हमारे सौरमंडल में सारी की सारी व्यवस्था इस सब रूप से है कि बीज को बनने के लिए हमें प्रकाश से चलना होगा। प्रकाश 13 अंक की व्यवस्था है, 3 जो है ये हमारे पास 1 है, H1 स्पेस के नंबर है और इसमें से 0 स्पेस की व्यवस्था को समाप्त करेंगे तो ये 13 की व्यवस्था बनती है। और इस 13 की व्यवस्था को अगर हम प्रारंभ करेंगे, -10 से करेंगे, 3, 16, 29 और इस तरह से चलते जाएंगे तो हमारे पास जब हम 169 13 स्क्वायर में पहुंचेंगे और इस 3 स्क्वायर में वो जब हम जानेंगे कि रेखा की बजाय वर्ग में चलना प्रारंभ करेंगे तो ये 2 से प्रारंभ करना होगा, 1 अंक की कमी होगी। 169 से जब 1 की कमी करेंगे तो 168 होगा। इस तरह से गणित के सूत्र प्रकाश के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार किस तरह से यहाँ पर हमारे पृथ्वी लोक पर इस सौर मंडल में शरीर बन रहे हैं, वृक्ष बन रहा है, वनस्पति बन रही है और ये जो जन्म मृत्यु का चक्र व्यवस्था है, ये गणित इस व्यवस्था का गणित है। साधकों, स्वामी जी के बताए हुए विधान के अनुसार हम अपने बुद्धि क्षेत्र को ध्यान से जागृत कर सकते हैं और उस ध्यान के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर ही हम इसके समांतर मूल्य वाली बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आइए हमारी बुद्धि प्रखर करने की प्रक्रिया पथ स्वामी जी के बताए हुए विधि विधान के अनुसार हो। प्रभु हम सब पर कृपा करें। धन्यवाद।